Hello students and good morning to all of you. This is Vijay Singh and I am going to discuss with you the financial accounting unit 3. The topic is receipts and payment account, silent features, importance and limitation of receipts and payment account. So that is the theoretical part and I will discuss with you some things about the receipts and payment account. So basically what is the receipts and payment account? I already told you about the receipts and payment account in the my previous lecture, but receipts and payment account is a summary of cash and bank transaction which help us in preparation of income and expenditure account and then balance sheet. So first of all, you just know about the receipts and payment account. It is just a summary of cash book and bank transaction jo bhi hote hain unka ek summary hai. Isko hum receipt and payment account ko रूप में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके हेल्प से द हेल्प ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वी आर एबल टू प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. सो इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट एज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हैज आल्सो बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी अलोंग विद ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड अदर बैलेंस शीट. सो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या क्या चीजें इसमें होती है. तो इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर on the cash receipts and cash payments recorded in the cash book. And okay, it is a summary of the cash and bank transaction under various heads. अलग अलग heads में अलग अलग तरह के जो transactions होते हैं cash और bank के, उन सबकी जो summary है वो हमारी receipts and payment account में आपको दिखाई देगी. For example, subscription received from the member on different dates which appears on debit side of the cash book. ठीक है, जो भी subscription fee हमें receive होती है वो cash book के debit side में आपको दिखाई देगी. तो दैट सेल बी सोन ऑन द रिसीप्ट साइड. ठीक है, तो डेबिट साइड मीन्स रिसीप्ट साइड, जहां आपको पैसा मिला है ऑफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑन वन आइटम विद इट्स टोटल अमाउंट. ठीक है, जो भी टोटल अमाउंट इसका होगा उसको हम एक साथ करके फिर दिखा देते हैं. दूसरी चीज है सिमिलरली सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. जो भी पेमेंट्स होंगे जिनको हम रिसीप्ट एंड पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो सैलरी है पेमेंट होगा, रेंट पेमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट होंगे. तो जो भी टाइम टू टाइम हम जो पेमेंट करेंगे दे आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. तो आप जानते हैं उसको क्रेडिट साइड में हम बुक करते हैं, एंट्री करते हैं, बट टोटल सैलरी, टोटल रेंट, टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ड्यूरिंग द ईयर दैट अपियर्स इन द पेमेंट साइड ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो जो भी टोटल उनका होगा वो हम इनको पूरे साल का जो टोटल है उसको हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको हम एंट्री कर देते हैं. तो इस तरीके से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो आपका कैश और बैंक ट्रांजेक्शन के हिसाब से की समरी बन जाता है. द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स समराइज पिक्चर ऑफ वेरियस रिसीप्ट एंड पेमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे पर्टेन टू द करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड एंड सक्सीडिंग पीरियड ऑफ द सक्सीडिंग पीरियड ऑफ वेदर दे आर ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर. तो ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रिसीप्ट एंड पेमेंट है वो किस टाइप के नेचर के हैं, वो करंट ईयर से है या प्रीवियस ईयर से है या सक्सीडिंग ईयर से है. तो वेदर दे आर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, क्या वो कैपिटल नेचर के हैं या रिवेन्यू नेचर के हैं, इनको भी फाइंड आउट करना होता है. तो जो भी हमारे लाइक सब्सक्रिप्शन होते हैं, सब्सक्रिप्शन फी होती है वो करंट ईयर की भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर की भी होती है और कई बार फ्यूचर पीरियड की भी होती है. तो इस तरीके से इनको यहाँ पर हमें देखना पड़ता है. अदर थिंग ये आपको दिमाग में रखनी है वो है कि इट मे बी नोटेड दैट दिस अकाउंट डज नॉट शो एनी नॉन कैश आइटम. यहाँ पर कोई भी नॉन कैश आइटम आपको शो नहीं करना होता है लाइक डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा. तो ओपनिंग बैलेंस इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कैश एट बैंक और इन हैंड और एट बैंक जो है आपको बस शो करेगा विच इज शोन इट्स रिसीप्ट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर विच अपियर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, देन ओवर इफ इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एट द एंड इट्सेल्फ शोन ऑन द डेबिट साइड. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसको हम डेबिट साइड में रिसीप्ट करेंगे. एंड लुक एज कैश बुक एंड गोल्डन क्रेडिट क्लब इज एग्जाम्पल ऑफ दैट अमाउंट. ठीक है, तो उसको हम शो कर सकते हैं. दूसरी चीज है साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, सो इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक फ्रॉम इट्स आइडेंटिकल विद दैट ऑफ सिंपल कैश बुक ऑफ विदाउट डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम. तो बिना डिस्काउंट और बैंक कॉलम के ही आपकी जो कैश बुक है जो सिंपल कैश बुक के रूप में डेबिट्स और क्रेडिट साइड आपको दी गई होंगी. रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज ऑन क्रेडिट साइड. And it shows the total amount of all receipts and payment respective of the period to which they are pertain. जो भी amount है वो receipts and payment के जिस भी period से वो संबंधित है उनको show करना है. Like receipts and payment account for the year ending 31st March 2015, we recorded our total subscription received during 14-15
है ना, जो भी 14-15 में जो भी अकाउंट्स आपको मिलेगा वो कैलकुलेटिंग अमाउंट रिलेटेड टू ईयर 13-14 and 14-15-16 तीनों साल का, यानी कि करंट ईयर, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर सक्सेडिंग ईयर का भी हमें देखना होता है. एंड सिमिलरली टैक्सेस पे ड्यूरिंग 14-15 इवन दे आर रिलेटेड टू ईयर 13-14 and 15-16 भी हमें इसमें देखना पड़ता है. तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं. एंड इट इंक्लूड्स ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर. जितने भी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है वो कैपिटल या रिवेन्यू नेचर की हो सकती हैं, उनको सबको आपको इंक्लूड करना होगा. नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन रिसीप्ट एंड पेमेंट इन कैश और थ्रू द बैंक. बैंक या कैश के थ्रू जो भी हो उसमें कोई डिस्टिंक्शन आपको नहीं बनाना है, चाहे वो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो या वो कैश ट्रांजेक्शन हो, उसको हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट में दिखाना है. With the exception of the opening and closing balances, the total amount of each receipts and payment is shown on the this side. ठीक है, तो जो भी आपका जो अमाउंट है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, जिस साइड का भी वो होगा उस साइड में आपको दिखाना होगा. ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज भी आपको शो करने होते हैं. नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकर्ड एंड अकर्ड इनकम्स एक्सेट्रा शोन इन दिस गाइड है ना, आर शोन इन दिस अकाउंट. ठीक है, कोई भी इनको हम शो नहीं करेंगे. नॉन कैश आइटम कोई भी नॉन कैश आइटम इसमें नहीं आता है. एंड इट बिगिंस विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड. जो अभी स्टार्ट होता है वो कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस और कैश एट बैंक के नाम से होगा, और द ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट. एंड क्लोज विद द ईयर एंडेड बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. जो भी कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है उससे फिर इसको हम क्लोज करेंगे. तो इनफैक्ट द क्लोजिंग बैलेंस इन दिस अकाउंट डिफरेंस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे. जो भी डिफरेंस रिसीप्ट्स और पेमेंट साइड का होगा वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा. विच इज यूजुअली अ डेबिट बैलेंस, रिफ्लेक्ट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, अनलेस देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज देयर. अगर नहीं है तो फिर वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. टोटल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अंडर वेरियस हेड्स आर अवेलेबल एट ए ग्लांस. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो जो वो भी जो इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, तो दैट्स वाई इट इज इट रिप्रेजेंट्स द टोटल रिसीप्ट एंड टोटल पेमेंट्स अंडर द वेरियस हेड्स आर. तो यहाँ पर एक ही नज़र में, एक ही ग्लांस में जो है आप देख रहे हैं, तो एक ही जगह पर आपको बहुत सारे जो रिसीप्ट एंड पेमेंट है पूरे फाइनेंशियल ईयर के वो आपको यहाँ दिखाई दे जाते हैं. दैट इज द इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस. सेकेंड थिंग इम्पोर्टेंस है अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड एट द ईयर एंड कैन बी असर्टेड. ठीक है, जो भी अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड या कैसे बैंक अगर हम बात करें वो आपका एट द एंड ऑफ ईयर जो है असर्टेड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट. थर्ड जो इम्पोर्टेंस है द करेक्टनेस ऑफ कैश बुक कैन बी वेरीफाइड थ्रू इट. जो कैश बुक की करेक्टनेस है वो भी आप जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इसको जो है चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस को हम वेरीफाई कर सकते हैं. तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंस इसकी बन जाती है. इसके अलावा फोर्थ जो है टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक विल बी एग्री विद द रिसीप्ट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, जो भी टोटल ऑफ डेबिट साइड है कैश बुक की वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड से मैच होना चाहिए. ठीक है, एग्री होना चाहिए. वेयर एज टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक विल बी एग्री विद द पेमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, पेमेंट साइड के जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से एग्री होना चाहिए. तो ये इसके इम्पोर्टेंस अगर होता है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है. देन लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट डिस्क्लोज द एक्यूरेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द करंट ईयर. हाँ, यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत है कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एक्यूरेट इनकम और एक्सपेंडिचर को यहाँ प्रेजेंट नहीं कर सकता है. इसके अलावा इट डज नॉट डिस्क्लोज दैट सरप्लस और डिफिशियंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बट सिंपली डिस्क्लोज द बैलेंसेज. ये डिफिशियंसी और सरप्लस को क्लियर पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता है, बट इट ओनली डिस्क्लोज द बैलेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द या ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड थिंग, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट. इसके हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए तो हमें कैश बुक की जरूरत ही होती है. कैश बुक का क्या है, जो ट्रांजेक्शन होता है या जो हम जनरल लेजर्स वगैरह बनाते हैं उन लेजर्स के बेस पर ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता है. And it is not prepared on accrual basis. इसका accrual basis पे भी prepared नहीं किया जा सकता. ये simply current या cash basis पे ही चलता है. And lastly, fifth one is it cannot be used for by concern where credit transaction takes place in large numbers. ये ऐसी organization में, ऐसी संस्था में काम नहीं करेगा जहाँ पर large number में आपके credit transactions होते हैं. या generally जो भी आपके transaction हो, cash या bank transaction होते हैं, वहीं पर receipts and payment account आपका useful हो सकता है. तो these are all about that lessons. I hope you understand. So thank you very much.
Yes.